बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कोकन ब्लॉग में मोहम्मद अबकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बिल्कुल नई रेसिपी लेके आए हैं, राइस की रेसिपी, जिसमें हम मूंग दाल डालेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले जो है, हमने आधा कप घी का ले लिया, इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद अब हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखें, इसमें गरम मसाला मैं डाल दूंगा, बिल्कुल आसानी के साथ ये बन जाता है। गरम मसाला जो है मेरी लुक में इजाफा करेगा और इसके टेस्ट में उसकी खुशबू को डेवलप करेगा। इसके बाद एक दिन मैंने साइज का मेरे पास प्याज है, प्याज को डाल देंगे, इसे फुल ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें जो दूसरा हमारा प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। सब्ज मिर्च जाएगी, बिल्कुल देखें ऐसी कटी हुई, बारीक भी आप काट सकते हैं, लेकिन इससे इसकी जो लुक है राइस की बढ़ जाती है। हंस पे ज़रूरत मैं नमक डाल रहा हूँ, नमक डाल देंगे, इसको ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं दाल मूंग डालूंगा, जिसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये बिल्कुल जल्दी आसानी से सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह से मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप भी घर पर बना सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक की शान देखें, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगा ताकि जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और खाने के काबिल हो जाए। माशाल्लाह से इसे कवर कर देंगे, कवर मैंने रिमूव कर दिया, तकरीबन ये सॉफ्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगा, तकरीबन मेरे पास जो है एक पाव चावल है, तो मैं इसमें दो पाव पानी डाल दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी की मिकदार इसे डबल कर देंगे। चावलों को भिगो के मैंने रख दिया था, चावल इसमें जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसे जो है कवर कर देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। मैं इसका जो कवर है इसे रिमूव कर दूंगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक हमारे चावलों में आना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है जो दम में ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह से वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमत, उसकी नियमत, उसकी बरकत जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर बनाएं और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगली रेसिपी तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।